ज्यादा देर गुस्सा ना दबाएं, आपका दिमाग बीमार हो सकता है। हर किसी को गुस्सा आता है और ये बेहद स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो अपने गुस्से का इजहार नहीं करते तो सावधान हो जाएं। अपने गुस्से को व्यक्त करने में न सिर्फ आपकी मानसिक भलाई है, बल्कि ये ब्रेन स्ट्रोक को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के शोधकर्ताओं ने पाया कि गुस्से को दबाकर रखने से महिलाओं के कैरोटिड धमनियों में गंदगी जमने लगती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इस शोध में पता चलता है कि महिलाओं में सामाजिक भावनात्मक अभिव्यक्ति और उनके दिमाग के हेल्थ के बीच में संबंध होता है। इस तरह के शोध महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये दर्शाता है कि कैसे महिला का इमोशनल नेचर उसके फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। कैरोटिड आर्टरीज दिमाग तक होने वाले खून की सप्लाई को नियंत्रित करती हैं। इन धमनियों में सिकुड़न आने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जानलेवा हो सकता है। पिछले कुछ शोध ये बताते हैं कि लंबे समय तक तनाव में रहने से दिमाग में सूजन पैदा हो सकती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है।